करेला भले ही खाने में कड़वा लगे, परंतु यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम्योपैथी पर। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे भरमा करेले, वो भी पंजाबी स्टाइल। और आप तो जानते ही हैं कि दाल के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है उसका कहना ही क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इन्हें बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले यानी कि बिटर गोर्ड। और अब हम इन्हें स्क्रैप करेंगे यानी कि छील लेंगे। इसके लिए मैंने उनको अच्छी तरह से धोकर इनका रेत वगैरह है वो हटाकर साफ़ कर लिया है। अब इन्हें चाकू की सहायता से इस तरह से स्क्रैप कर लेंगे। आप चाहें तो पीलर की सहायता से भी इसे छील सकते हैं, परंतु उससे जो इसका छिलका उतरेगा वो बहुत मोटा उतरेगा और इसके छिलके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हो सके तो इसे स्क्रैप कर लें। सभी करेलों को हमने छील लिया है और इन्हें छीलने से ये छिलका निकला है। हालांकि करेले में जो सबसे कड़वा पार्ट होता है वो उसका छिलका ही होता है, परंतु सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी यही होता है, तो इसलिए इसे हम फेंकेंगे नहीं बल्कि भरावन बनाने में इसका यूज़ करेंगे। इसके लिए बाउल पर रखेंगे छलनी और उसमें इन सारे छिलकों को डाल देंगे और पानी की सहायता से एक बार धो लेंगे ताकि जो कड़वा रस है वो नीचे चला जाए, और इन्हें इस तरह अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए सारा कड़वा रस नीचे आ गया है। अब इन छिलकों पर लगाएंगे खूब सारा नमक ताकि जो इनका कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए, और इसे इसी तरह एक साइड में रख देंगे। अब जो ये करेले हमने छील कर रखे थे इन सभी की फ्रंट साइड में यानी कि जो साइड हल्का कर्व लिए होती है वो इसकी फ्रंट साइड होती है और दूसरी साइड को इसकी बैक साइड कहते हैं, तो इसमें कट लगाएंगे। और इसको दोनों अंगूठों की सहायता से प्रेस करते हुए इस तरह खोल लेंगे और इसके अंदर की सारी फिलिंग को बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए आप स्पून की मदद ले सकते हैं और इस तरह से इसकी सारी फिलिंग को बाहर निकाल लेंगे और इस तरह इन्हें अंदर से अच्छे से खाली कर लेंगे। और इसमें से जो भी फिलिंग निकली है वो यदि बीज कच्चे हों तो उन्हें भरावन में यूज़ करेंगे, परंतु इसके बीज हैं जो वो बहुत पके हैं तो इन्हें एक साइड में कर देंगे। इसी तरह सारे करेलों को कट लगाकर तैयार कर लेंगे। सभी करेलों को छीलकर हमने इस तरह से कट लगाकर इन्हें अंदर से खाली कर लिया है। सारे करेलों के जो बीज थे वो पके हुए थे इसलिए हमने उन्हें फेंक दिया है। अब सभी करेलों पर अच्छे से नमक लगा देंगे। इस तरह से नमक को अंदर बाहर करेलों पर रगड़ देंगे। सभी करेलों पर अच्छे से नमक लगा दिया है। अब एक बाउल पर रखेंगे छलनी और सभी करेलों को इस तरह से छलनी में खड़ा करके रखेंगे ताकि जो इनमें से सारा एक्स्ट्रा कड़वा पानी है वो निकल जाए, और इसे इसी तरह से 2 घंटे तक छोड़ देंगे। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए करेलों में से कड़वा पानी निकल कर इसमें इकट्ठा हो गया बाउल में। अब इन करेलों को अच्छे से निचोड़ कर इनमें से और पानी भी निकाल देंगे। सभी करेलों को अच्छे से निचोड़ कर और इसमें साफ पानी में डाल देंगे। अब सभी करेलों को इस तरह अच्छे से मसल कर धो लेंगे और इस तरह से निचोड़ निचोड़ कर इनको किचन टॉवल पर इस तरह से सुखा देंगे। अब कपड़े से इस तरह दबाकर इनका एक्स्ट्रा पानी भी सारा सुखा लेंगे ताकि जब इन्हें फ्राई करें तो छींटे ना उड़े। अब इन्हें 10 से 15 मिनट तक इसी तरह हवा से सूखने देते हैं और तब तक हम भरावन तैयार कर लेते हैं। देखिए जो करेले के छिलके
हमने छलनी में डालकर रखे थे उनमें से भी काफ़ी पानी निकल चुका है। अब इन्हें भी अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे ताकि जो इनका कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए, और इसे अच्छे से दबाकर और सारा पानी निकाल देंगे। भरावन बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। जो करेले हैं वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं, इसलिए हम सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस सरसों के तेल को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकलने लग जाता, ताकि जो इसकी सारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, ताकि इसके कच्चेपन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पर इसमें डालेंगे करेले के छिलके और इन्हें थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि इनका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। छिलके हल्के से भून चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और अब इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। हमने इसमें ग्रेटेड ऑनियन डाल दिया है। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज को हमने 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे 1 टीस्पून फुल, और नमक हमें बहुत कम डालना है क्योंकि हमने पहले भी नमक करेलों पर भी लगाया था और उनके छिलकों पर भी। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और इसे चटपटा बनाने के लिए डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भून लेंगे। और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सभी ड्राई मसालों को भी हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और अब ये हमारा भरावन है वो तैयार हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। जब तक फिलिंग ठंडी होती है सभी करेलों को हाई हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। सभी करेलों को डीप फ्राई करके निकाल लिया है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं और फिर इसमें फिलिंग भरेंगे। करेले और फिलिंग दोनों ही अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इन करेलों में और एक चम्मच की सहायता से इन करेलों में फिलिंग को अच्छे से दबा दबा कर भर देंगे। दीजिए तैयार हैं बढ़िया से पंजाबी मसाला भरवा करेले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और जिन्हें आप फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तथा बेल आइकन को हमेशा की तरह दबा दें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।